लेता हूँ एंड हल्का सा बटन दबाओ, ओपन एंड बंद एंड ओपन, इस आप कितनी बार भी कर लीजिए कोई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनंत कुमार है, आपके बड़े देख रहे हैं जी मास्टर चल। गाइस आज हम बात करेंगे कैसे आप आईपीएल मैच जो कार की मिरर स्क्रीन होती है गाइस, पीछे का कैमरा होता है कार पर लगा हुआ, तो इसके द्वारा भी आप देख सकते हैं। ये सिस्टम आता है, ये आपको 1100 रुपए में मिलता है पीछे कैमरा प्लस वायर, बट आप ये एलईडी एलईडी खरीदते हैं तो आपको 900-800 रुपए की लोकल मार्केट में भी मिल जाती है। बट गाइस हम इसे डायरेक्टली अपने लैपटॉप से किस तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो कनेक्टिविटी होती है वो एवी के द्वारा होती है, 12 वोल्ट के अडेप्टर सप्लाई चाहिए। जैसे ही गाइस मैं यहाँ पे 12 वोल्ट के अडेप्टर सप्लाई कनेक्ट भी कर दूँ तब भी गाइस ये स्क्रीन ऑन नहीं होगी। तो गाइस जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में कैसे ऑन होना है क्या है, तो गाइस चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्ते दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं आनंद जी भाषा चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर बने रहने के लिए बेल आइकन में ऑल बटन दबाइए सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई ऐड तो कर दी थी बट ये तब भी ऑन नहीं हो पाई, तो डेट मीन्स इसका कोई स्विच या कुछ प्लग नहीं होता, डायरेक्टली आपको सप्लाई देनी है ऑन हो जाती है। सबसे पहले जो हमें यहाँ पे गाइस एवी आपको केबल लेना पड़ेगी क्योंकि मुझे इस कनेक्टर से जोड़नी है, तो यहाँ पे मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ जो कलर वाइज है, कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही करेंगे। और यहाँ पे गाइस ये जो कलर वाइज इसमें भी कलर कॉम्बिनेशन ही चलेगा, हमारी एक खाली रह जाएगी क्योंकि गाइस आपको ऑडियो चाहिए क्योंकि इसमें ऑडियो ऑप्शन नहीं है। मैंने इसे ट्राई भी किया था खोल के तो गाइस वहाँ पे मुझे कोई ऑडियो ऑप्शन नहीं मिला, बट यह है कि आप ऑडियो क्योंकि इस पे वीडियो सिर्फ एक वायर से भी जा सकती है तो आप लेफ्ट राइट के ऑडियो इससे निकलवा सकते हैं, आपको कोई एक्सटर्नल स्पीकर लगाना है। एंड अदर गाइज आप नॉर्मली लैपटॉप पे ऑडियो सुन सकते हैं और इस पे अपना आराम से मैच देख सकते हैं और लैपटॉप की स्क्रीन पे काम भी कर सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइज जैसे कि यहाँ पे हमें तो भाई ये जो है हमारी HDMI केबल है, तो हम डायरेक्टली इसे HDMI केबल से कनेक्ट करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम 12 वोल्ट की पावर दे देते हैं। तो भाई इसका ऑन ऑफ स्विच तो कुछ होता नहीं है एक्चुअली कि किस तरीके से आपको ऑन ऑफ करना है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली ये कनेक्ट करा। अब मोबाइल स्क्रीन पर आते हैं, मोबाइल स्क्रीन से आप डायरेक्टली देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गाइज यहाँ पे रखते हैं दोनों स्क्रीनों को, तो आप लमसम ये यहाँ पे ज्यादा हो रही है, तो मतलब ये है कि आप दोनों स्क्रीनों को देख पा रहे हैं। तो अब इसे यहाँ पे मैं करूंगा क्योंकि यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने एडिशनल कर रखी है। यहाँ पे सेटिंग से जाते हैं और यहाँ पे करते हैं डुप्लीकेट स्क्रीन, तो अब जो भी मैं इस पे चलाऊंगा वो इस पे आएगा। जैसे ही गाइज मैं एक आपको डेमो दिखाता हूँ कि जो भी इस पे चल रही होगी वो इस पे आती है स्क्रीन पे। जैसे गाइस हम यहाँ पे भी देख सकते हैं ये क्लियर आ रही होगी थोड़ी सी, तो यहाँ पे गाइस सेम ही स्क्रीन चलती है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। यहाँ पे गाइस ये देखिए गाइस हम आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी मोबाइल पे कि लमसम दोनों ही स्क्रीन है सेम चलेगी, ये सबसे अच्छी बात होती है इसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि मुझे। अब इसमें हम दूसरा ऑप्शन एक ट्राई करते हैं, जैसे कि मुझे हॉटस्टार पे गेम खेलना है तो मैं एक्सटर्नल स्क्रीन यहाँ पे ऐड करूंगा। अब मैंने स्क्रीन एक्सटेंड कर दी है तो यहाँ पे जो है अब एक्सटेंड स्क्रीन दिखाएगी। अब जैसे कि मुझे हॉटस्टार ऑन करना है तो मैं यहाँ पे हॉटस्टार डाल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सटेंड हुई भी स्क्रीन है तो इसलिए इस पे दिखाई नहीं देगा, सिर्फ इसी पे दिखाई देगा लैपटॉप पे। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक्सटेंड स्क्रीन पे कैसे लेके जाना है। तो जैसे कि आईपीएल के कुछ मोमेंट है तो अभी 18 सितंबर से चालू हो जाएगा, 18 या 19 से, तो आप नॉर्मली यहाँ पे ऑडियो बंद कर देते, कॉपीराइट इशू आ सकता है। तो यहाँ पे हमने इसे साइड में लेके जाएंगे, आप साइड में देख सकते हैं। अब हम इस पे ही माउस एरो भी देख सकते हैं क्योंकि गाइस आराम से ही यूजफुल है। और यहाँ पे गाइस इसे थोड़ा सा और साइड में क्योंकि मुझे भी नहीं दिख पाएगा, अब मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन कर दूंगा। तो आप जो देख पा रहे होंगे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, तो गाइस आप अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक्चुअली मेरा अब मैं लैपटॉप पे कोई भी काम करूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्सटेंड कर रखा है। और हमने एक्सटेंड के तरीका गाइस ये HDMI टू AV कन्वर्टर लिया है और यहाँ पे गाइस
एवी वायर के द्वारा इसे कनेक्टर के द्वारा जोड़ा है इसे, और यहाँ पे नॉर्मल 12 वोल्ट की सप्लाई दी है। बस गाइस ये एचडीएमआई केबल सीधे लैपटॉप से निकल के आ गई है। आपका वीजीए हो तो वीजीए टू एवी ले लीजिएगा, आप एवी में भी डायरेक्टली संतुष्ट हो पाएंगे, आप इजिली काम कर पाएंगे। और गाइस सबसे अच्छा जो लगा मुझे इसमें, कोई ये नहीं है कि हल्का से भी ड्रॉप बैक होता है या हिलेगी। गाइस कोई भी वायर तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कोई भी वायर कितने भी हिले गाइस कोई फर्क नहीं पड़ता और आपकी स्क्रीन कंटिन्यू चलती रहेगी। और यहाँ पे गाइस आप माउस का भी, गाइस माउस एरो भी देख रहे होंगे छोटा सा, ये यहाँ पे गाइस मैं हिला रहा हूँ तो यहाँ पे जैसे कि ये लेफ्ट वाले में, क्योंकि मुझे जो दिख रही है वो उल्टी स्क्रीन दिख रही है मोबाइल से, तो यहाँ पे इसलिए मैं सही से माउस चला पा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे ये तो एक तरीके से पूरी लैपटॉप स्क्रीन ही हो जाती है गाइस। आप जरूरी नहीं है आप कार वाले मिरर स्क्रीन पे ही करें, आप नॉर्मली गाइस किसी पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस ऐसे सेट कर लेते हैं दोबारा से जैसे पोजिशन में था। तो यहाँ पे गाइस ये सब कुछ था कि 9 वोल्ट की सप्लाई लगा दी है, एवी कनेक्टर लगा दिए। यहाँ पे गाइस ये जो आपकी नॉर्मल, यहाँ पे गाइस एक यूएसबी ऑप्शन भी दे रखा है कि आप यूएसबी से भी काम चला सकते हैं। तो गाइस उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तब आपको एक्सटर्नल ऑडियो चाहिए हो। एक्सटर्नल ऑडियो इसलिए मैं कहूंगा कि अवेलेबल नहीं है इस डिवाइस में, क्योंकि आप लैपटॉप की ऑडियो लेंगे तो गाइस आप इसमें सुन सकते हैं, अनदर गाइस आपकी लैपटॉप की ऑडियो बंद हो जाएगी, तो आप नॉर्मल तब आपको एक्सटर्नल स्पीकर का यूज करना ही है। तो गाइस लैपटॉप के स्पीकर पे सही होते हैं, आप वहां पे भी मैच सुन सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हो। गाइस ये स्क्रीन बहुत ज्यादा काम में आती है, मैच भी आप देख पाएंगे और आराम से अपने लैपटॉप स्क्रीन पे काम भी कर पाएंगे। तो गाइस ये था फुल फुल इन्फॉर्मेशन। और गाइस 12 वोल्ट का अडेप्टर, गाइस मैं थोड़ा सा प्राइस सेगमेंट और बता दूं कि आपको ये कितने रुपए का पड़ता है। जैसे कि गाइस ये आपको 800 रुपए की पड़ जाती है, इसका जो अडेप्टर है वो आपको 50 रुपए का पड़ जाता है, 850 रुपए, 30 रुपए की केबल, तो लगभग 900 रुपए मान लीजिए ये मिला के। बट गाइस जो मैं इसमें 9 वोल्ट का 12 वोल्ट का अडेप्टर यूज कर रहा हूँ वो फिलहाल थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि मैं डिश टीवी वाला अडेप्टर यूज कर रहा हूँ, 350 रुपए का लिया था। बट आप लोकल अडेप्टर भी लेते हैं तो कोई काम चल जाएगा। और गाइस यहाँ पे आपको 900 रुपए यूज हो गए। अब आती है डिवाइस की, मैं HDMI टू AV डिवाइस कहाँ से लूँ। तो गाइस मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में वैसे दे रखा है, फ्लिपकार्ट पे सबसे सस्ता है, 450 रुपए का पड़ गया था ये मुझे, और आप इजीली गाइस फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। और ये जो प्राइस है 450 रुपए, तो 900 लमसम 1350 रुपए। अब आ जाती है HDMI केबल की, जो कि गाइस आपको लेनी ही पड़ेगी लैपटॉप से कनेक्ट करना है, तो गाइस ये 200 रुपए की पड़ जाती है। तो लमसम 1300-1500 रुपए में आपका पूरा इंतजाम हो जाता है, लॉन्ग टाइम यूज कर पाएंगे इस डिवाइस को। और बात करो स्क्रीन की खराब होने के क्या चांसेस है, गाइज आपको इतना हैवी इनपुट नहीं दे रहे हैं इसमें नॉर्मली। और स्क्रीन की बात करो तो गाइज ये मेरे पास 2 साल से चल रही है फिलहाल तो, और लमसम जो इसे 2017 में खरीदा था, 2017 का मतलब ये है कि 20 चल रही है, 3 साल हो गए, 2 साल तो मैं अपने पर्सनल यूज में करता हुआ यूज कर रहा हूँ, एंड 1 साल ये बकायदा कार भी यूज हुई। तो आप समझ सकते हैं कार में तो लमसम जो इतनी क्रिटिकल कंडीशन बितानी थी वो कार में बितानी, अब तो मेरे पास लमसम सेफ पड़ी रहती है एक जगह मैं यूज करता हूँ। तो गाइस एक्सटर्नल स्क्रीन का मेन मकसद ये था कि मैं इसे क्रिकेट मैच के लिए यूज कर पाऊँ, इसलिए मैं बहुत जल्दी वीडियो लाने की सोच रहा था, मैं कंटिन्यू उसे ऑर्डर भी कर रहा था, बीच में पता नहीं कोई प्रॉब्लम हुई थी फ्लिपकार्ट में, एक बार आते आते कैंसिल हो गया अपने आप ही ऑर्डर, और दूसरे टाइम किया तो उसमें फिर वो रिटर्न लग गया। तो इसलिए मेरा विचार ये था कि मैं IPL से पहले लेके आऊँ, तो गाइस बट वो थोड़ी सी जल्दी आई, और मेरा जो विचार था वो 10-12 दिन पहले लेके आने का था कि लोग एडजस्ट कर पाए उस हिसाब से अपने हिसाब से। तो गाइस बट आपको ये सारा कुछ इंजॉयमेंट आपको बहुत ज्यादा लगा रहेगा, और इसमें गाइस कुछ ज्यादा खर्चा भी नहीं है, क्यों आप नॉर्मल 450 रुपए ये था आप स्क्रीन लमसम परमानेंट मान लीजिए, और आपको लगता है कि, और गाइस इसका स्क्रीन का एक फायदा और बता दूं, आप मैच देख रहे हैं जैसे कि आप मैच देख रहे हैं यहाँ पे गाइस मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं तो आप मैच देख रहे हैं तो इसे बंद भी कर सकते हैं, एंड यहाँ पे गाइस आप इसे ओपन करते हैं ये, और इसे ऐसे बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस एक छोटा सा बटन दे रखा है जो कि लॉक कर देता है इसे, और इसी आप खोल सकते हैं। जैसे कि गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं इसे बंद कर लेता हूँ, एंड हल्का सा बटन दबाओ ओपन एंड बंद एंड ओपन, इसे आप कितनी बार भी कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस आप इसे इस तरीके से भी आराम से वर्क कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम इसे खोलते हैं और अच्छी तरीके से काम करती है, कभी कभी गाइस अटक जाती है स्क्रीन तो क्या करना है, हल्का सा ऑयल डाल लेना, फर्स्ट क्लास चलती रहती है। और गाइस कोई करंट लगने का भी खतरा नहीं है फिलहाल, इनके बताऊं तो 12 वोल्ट की सप्लाई है, कुछ होता नहीं। तो गाइस ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।